नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सेल टैक्स विभाग में गाड़ी पकड़ने और छोड़ने के खेल में नियमों की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही थी, इसका केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अधिकारियों की मनमानी का एक पुख्ता सबूत समाचार एक्सप्रेस के हाथ लगा है, जिसमें मनमाने तरीके से सेल टैक्स विभाग द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। भ्रष्टाचार की ऑडियो जारी होने के बाद विभाग द्वारा खुद को पाक साफ करने के लिए आनन फानन में बेशक कुछ लोगों पर कार्यवाही की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार के समुद्र की बड़ी मछलियां अभी भी सेल टैक्स विभाग में अपने काले कारनामों को अंजाम दे रही हैं। हालांकि खुलासा होने के बाद अब जांच की बात कही जा रही है, जबकि तथ्य बताते हैं कि इस विभाग में ऊपर से नीचे तक सेटिंग का माया जाल फैला हुआ है, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं समाचार एक्सप्रेस के पास मौजूद दस्तावेज। अनुसार 3 अगस्त को विभाग के रोस्टर में ईओ प्रशांत काद्यान को ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन गाड़ी की वेरिफिकेशन और चलान किया ईटीओ प्रवीण ने। यही नहीं, इसके बाद ट्रक मालिक को बुलाकर सेटिंग का दबाव डाला गया। गाड़ी मालिक को बताया गया कि उसकी गाड़ी में कई कमियां पाई गई हैं, जिसका टैक्स 92,821 रुपए बनता है। टैक्स के हिसाब से इतनी ही पेनल्टी यानी कुल चालान 1,82,000 के करीब बनता है। काफी देर तक बातचीत के बाद गाड़ी मालिक और ईटीओ के बीच सहमति बनी और आखिरकार सरकारी खजाने को चूना लगाते हुए 49,000 का चलान बनाकर आरटीजीएस करवाया गया, जो 2 किश्तों में जमा कराया गया। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के इन पुख्ता सबूतों की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं है, लेकिन शायद उन्हें डर है कि अगर एक ईंट खिसकी तो भ्रष्टाचार की पूरी दीवार ढह जाएगी। जब इस मामले में ईटीओ प्रवीण कुमार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।